हमारे भागवत गोपाल जी हैं और ये भी गोपाल जी की कृपा है जो हमको 108 की माला तैयार करनी है भागवताचार्य की। उस 108 माला के एक मन के हमारे शिवम बाजपेयी हृदय से आए हैं, उनका आप लोग ताली बजाकर के स्वागत कीजिएगा। बहुत अच्छी विद्यार्थी है संस्कृत के लिए और श्री जी ने उनको प्रेरणा दी कि भागवत के लिए राधा माधव दास के पास में आप जाइए, तो ये भगवान का देव योग है। हमने बरसाने में संकल्प किया था श्री जी के सामने, श्री जी 108 विद्यार्थियों को आप तैयार करवाना, करने करने वाली तो राधा रानी है। निमित्त मात्रम भव सर्वे साक्षी, भगवान गीता जी में कहते हैं हे अर्जुन तू कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ मैं करता हूं। निमित्त बन जाओ, अच्छे काम में निमित्त बन जाओ भगवान की कृपा से। तो उन्हीं श्री राधा माधव भगवान वृंदावन बिहारी लाल को समर्पित ये भागवत सत्र, और इसकी एक ही हम मांग करते हैं, इस भागवत से हमें फल क्या चाहिए? श्री कृष्ण प्राप्ति परम शश्वत साधनम पद बधा गुना, हमें तो बढ़िया आती चाहिए। आप लोग भी सुनने वाले भी बस ऐसे सुनो कि भागवत कथा से हमें कृष्ण मिले। यजमान जी भी यही सोच करके कथा कराए, श्री कृष्ण आपके दर्शन हो, लोकता के मन में भी यही भाव हो श्री कृष्ण मेरी सेवा से कथा करने की सेवा से मुझे दर्शन दे। श्रोता वक्ता यजमान सब प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही ये भागवत करा रहे हैं, बाकी सबके लिए है तो हम नहीं मांगते हैं। सर्वे भवन सुखिनम, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राय पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुजनों को प्रणाम करते हुए बड़ा जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री भागवत गोपाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, पद्मावती महादेव की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, राजर्षि प्रेक्षित जी महाराज की, समस्त तीर्थों की, समस्त धामों की, अयोध्या वृंदावन धाम की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय जय श्री राधे श्याम। आइए युगल मंत्र का हम लोग स्मरण करेंगे, युगल नाम जपेंगे। आप हमारे साथ में पीछे बोलिएगा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय बोलो गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन राधा रमन राधा रमन प्यारे राधा रमन
राधा रमन मेरे राधा रमन प्यार से राधा रमन मेरे राधा रमन गोविंद बोलो हरि जो काल बोलो राधा रमन तुम्हे काल बोलो गोविंद बोलो हरि जो काल बोलो राधा रमन हरि जो काल बोलो। हमारे वृंदावन धाम के संत कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उच्च की भूमि है जहां से हम आए हैं, वो भूमि संतों से बहुत प्यारी है। भूमि प्राणों से प्यारी लगे प्रजी भूमि प्राणों से प्यारी लगे ब्रजमंडल माही बसाई बहु ब्रजमंडल माही बसाई बहु रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं रसिकों भक्तों के सुसंग में मस्त रहूं जग जाल से नाच छुड़ा रहो मेरे मन की बिहारी यही बिहारी मेरे नाम से नाम भुलाई रहो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय गोविंद बोलिए गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय। कुछ समय के लिए प्रभु अगर हमारा अगला कोई जन्म हो चाहे हम पशु बने पक्षी बने मनुष्य बने तो आप वृंदावन में जन्म ले कोई ना कोई वृंदावन में जाता है। अरे वह आप खुद लोग चन्हिए के दीवाने हो तो वो नहीं मिल जाता मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को नाच नाच कोट कोट तुरी कर जाओ नाच नाच कोट कोट प्रभु कर जाओ बंदर बनाओ तो बनाओ जीवन को बंदर बनाओ तो बनाओ श्री जीवन को कूद कूद पान वृक्ष जो रन दिखाओगे कूद कूद पान वृक्ष जो रन दिखाओगे वृक्ष बनाओ तो बनाओ ब्रज बनाओगे भिखारी बनाओ तो बनाओ दीवारों को मिट्टी लाता है और मिट्टी की ढोल लगा देता है उसमें भी कीड़ा अंदर बन कर देता है वो कीड़ा उसमें पैदा नहीं होता तो नाली में भी डालता है लेकिन देखिएगा उस कीड़े का चिंतन कि मुझे यहाँ लेके आया वो मेरी माँ है गुरु जाती है तो उसको चिंतन करते 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 वो रंगी बन जाता है। ऐसे श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले श्री कृष्णमय हो जाते हैं रंगी को करो की करो तालिंदी की रंगी को करो की करो तालिंदी की और आप याम श्याम 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 गाऊंगे आप राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाऊंगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलिए तो राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय गोपाला गुरु गोपाला।
काला मेरे ज्योति कला। अपनी कृपा जी के रसने कहा, इसी रसले के ये रसने मिले हैं। सबसे अच्छा रस इसको कब मिलता है? जब इस रसना से भगवान का नाम लिया जाए। बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ऐसा रस लीजिएगा, इस रस को लेने से सारे रस फीके भर जाएंगे। तो किसी संत ने कहा है, जो भगवान का नाम जपते थे क्या कहा उन्होंने? रस नाम अगर हरि नाम रस नाम जीवा पाता, अगर हरि नाम फिर जग में नाम रहे, फिर जग में नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में मेरे श्याम बसे, मन मंदिर में भगवान बसे, झूठा संसार रहे ना रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। वो दिन रात ये दिन रात कृष्ण का ध्यान रहे, दिन रात हरि का ध्यान रहे, सुख दुख का ध्यान रहे ना रहे, सुख दुख को ध्यान रहे। अभिमान किसका? भगवान कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ये भी जो कुछ कर रहे हैं अभी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर दो अभी अब मेरे बस ये अभिमान होना चाहिए। अभिमान रहे फिर और अभिमान रहे ना रहे, फिर और अभिमान रहे ना रहे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोली गोपाल भगवान की जय, जय श्री राधेश। गुरुहर लग बोले आप लोगों ने शायद भोजन नहीं किया। किसी व्यक्ति को अगर कोई बंधन में बांध दे कई दिन तक भूख ना, उसको भूखा रखा जाए, खाना ना खिलाया जाए, वो भी ताकत से लगाई देता है बचाने, बचाओ पहले उसने दिन नहीं देता मैंने, लेकिन ये बात में अक्षय के लिए पुकारते हैं किया जाता है बचाओ। आप लोग भी गोपाल को बुलाओ, ऐसे बचाओ जैसे कि ये भव सागर है, उसे लोग डूब रहे हैं। भव सागर में कन्हैया को बुला रहे हैं। दो हजार बोली है दीदी का घर पर आते हो सर्वतः पानी पादम सर्वतक्ष शिरोमुख, मेरे गोपाल के सब जगह कान हैं, मेरे गोपाल की सब जगह आंखें हैं, सब जगह भक्तों की पुकार सुनकर के वो दौड़ता है, चरण है उनके सब जगह। वेदों में कहा सब जगह उनके हाथ में रक्षा के लिए बचाने के लिए। ऐसे भगवान श्याम सुंदर राधा रमन वृंदावन बिहारी लाल की भागवत कथा 18 पुराणों में से एक पुराण, और वो भी कैसे पुराण केतन इदम तिलक कहा लगाया जाता है शरीर उच्च अंग पर मस्तक पर। पुराण में पुराण भागवत पुराण 18 पुराणों का तिलक है, शिरोमणि है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान
भगवान का पता बताया गया, भगवान को पाने का साधन बताया गया, श्रीमद् भागवतम पुण्य पुण्य प्रदान करने वाले, आयु आरोग्य की पुष्टि वर्धन, तो हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। श्री गुरु पद लख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि दिए, बिना गुरु के कोई भी गुरु के बारे में नहीं बता सकता। तो मैंने बचपन से लेकर अब तक जितने गुरु बनाए हैं, मैं उन सब गुरु को श्री कृष्ण का रूप मान करके प्रणाम करता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की। पहला श्लोक हम लोग बोलेंगे, हमारे राज्य जी बोलेंगे साथ में। जैसे भगवत की ये क्लास है आपकी साधन की, आप लोग सब सीखो भगवत कर लीजिए। हरि प्रिया भी सीखेंगे, हरि प्रिय भी सीखेंगे, हरिदास भी सीखेंगे, हरिभक्त भी सीखेंगे। और जल्दी से हमारी 108 की संख्या पूरी कराएं। फिर से भगवान वो दिन प्रकट करें जैसे गुरुकुलों में हमारे आचार्य जन 50,000 नाम लिवाते थे। वो स्वर्णिम होता है जब भगवान का नाम लिया जाता है, वो स्वर्णिम समय होता है। स्वर्ग अपवर्ग सुख भरियों को यह एक अंग होता है। सकल भी जो सुख लव जो थोड़े से सत्संग में आदमी बैठता है, तू लगता है सकल में उसे कोई नहीं सकते आप किसी पंडे में। हमारे कभी आदि संतों ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनी आग तुलसी संगत साधु की हरी कोटि अपना। साधु को साधु में परम कार्य की साधु, जिसने परम कार्य को साध लिया हो, परम श्री कृष्ण के प्रेम को पा लिया हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनता हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सुनाता हूं, वो जहां जाए वहां वृंदावन मिल जाता है, उसको साधु कहते हैं। ऐसे साधु का सानिध्य पा करके वो जो सत्संग की घड़ी है उसके तुल्य में कुछ भी नहीं, हीरे मोती कुछ नहीं। और यहां जो पूरे प्रथम श्लोक बोलेंगे, यहां से हम महात्मा की चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्तिया पाप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये हमारे व्यास भगवान ने, भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हो रहे हैं। अभी कितना टाइम हुआ है देखिएगा, लगभग 4:30 बजने वाले, इस समय भी भगवान का अवतार कहीं ना कहीं हो रहा है, भगवान का नित्य अवतार हो रहा है। 4:05 के, 4:06 के, 4:06 कुछ सेकंड के, 25 सेकंड भगवान अवतार ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया कितनी बड़ी है, अनंत है सृष्टि, अनंत सृष्टि में कहीं ना कहीं भगवान को पुकार रहा है। भगवान के बड़ाई जो से प्रेम से हृदय की गहराइयों से पुकारी, ये पुकार सच्ची पुकार है। भगवान वहां आनंद रूप से आ गए, जो भगवान के नाम लेने से जो मस्ती आई, आनंद से मिला, वही भगवान है।
बस इसमें ठहराना है, 24 घंटे में आनंद बना रहे तो वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है, फिर उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, न खाने की चिंता है, न देने की चिंता है, वो भगवान की मस्ती में मस्त रहता है। उस मस्ती को, उस भक्ति को, उस प्रेम को देने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम कीजिएगा, भागवत भगवान की। और आज विनय निगम जी के और मीनू जी के, निगम जी के परिवार में भाग्य गई बहु जल्द समझ के सत्संग चलवते पुरुषों के बाद महर्षि नारद जी कहते हैं, बड़े भाग्य से भागवत और भागवत महापुरुषों का सत्संग मिलता है। 21 जन्मों के बाद किसी के घर में कथा भागवत होती है, 21 जन्मों की पुण्यों के बाद। मैंने सुना है संतों के मुख से, पहले 7 जन्मों की पुण्य तक तो नहीं सोचता है कि मैं भागवत कराऊंगा, करा नहीं पाता है। अगले 7 जन्मों तक वो व्यवस्था बनाता है और पुण्य एकत्रित करता है, गंगा स्नान, गुरु पूजा, गीता पाठ, रोटी को भोजन कराना, वो पुण्य उसको अर्जित होता रहता है। जैसे बैंक में आप लोग के पैसे जमा होते रहते हैं तो 2 लाख 10 लाख करोड़ हो जाते हैं, ऐसे ही जब हम शुभ काम करते हैं ना माता, तो हमारे एक खाता भगवान के पास खुला हुआ है शुभ कर्मों का, तो वो बैंक में पुण्य बढ़ते रहते हैं। और जब भगवान देखते हैं पुण्य इतने हो गए हैं, अब तो इसको मेरे से मिलने का टाइम आ रहा है, तो क्या करते हैं वो अपने किसी भी धाम वासी को भेज देते हैं, बिनु पुण्य भक्त के पुण्य हुए उधर धाम वासी को ही उसे मिल जाता है, उसका सिंह मिल जाता है, चाहे वो अयोध्या धाम को, चाहे वो वृंदावन धाम। अयोध्या वाले राम रस में डूबे तो वृंदावन वाले कृष्ण रस में डूबे, दोनों का लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति। तो सब बच्चे का आनंद के भगवान बने हैं जी, सत चित और आनंद, इसलिए नाम बन गया सच्चिदानंद। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत किसे कहा गया? सत वो है जो कल जो भी गया उस समय ऐसा होगा, आज भी वैसे ही है और आगे आने वाले कल में भी वो वैसा ही रहेगा, जिसकी होने में बाल मात्र भी कल नहीं आई न आएगी, उसको सत कहते हैं। अवैध है भगवान, भगवान कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही, आने वाले कल में भी भगवान, कभी भगवान की कमी घटती नहीं है भगवान। और संसार पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा नहीं है, आगे भी ऐसा नहीं रहेगा, वो घट नहीं है, घट रहा है। और भगवान दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव, भगवान नित्य नवीन है, भगवान का आनंद नित्य नया नया है, भगवान का प्रेम नया है, भगवान का सब कुछ प्रतिक्षण वर्धमान है। कभी कोई भगवान का नाम लेने से बोर हुआ है क्या? कभी कोई भगवान की आरती भजनों से, कथाओं से बोर हुआ है क्या? मुझे नूतन रस है, इसलिए वो सत्य है। दूसरा शब्द आया है चित्त, तो चित्त को हमारे विद्वानों ने मन कहा, इंद्रिया में मनस्चासी गीता जी, तो हम सब के अंदर शरीरों में आंखें दो, नासिका, कान, मुख, हाथ पैर, ऐसे हमारे मन भी है। हम मन नहीं है, बोलो तो आप मन थोड़ी,
आपका मन हमारा मन है तो वो मन कौन है? बोले मन भगवान का अवतार है, सबकी हृदय में मन रूपी भगवान बैठे हैं। क्योंकि गीता जी भी घोषणा कर रहे हैं भगवान की इंद्रिया का मनुष्यास्मि, हे अर्जुन इंद्रियों में भी मन है और वही यहाँ चित्त कहा गया है, तो चित्त रूप है। और गांव की भाषा में देखो, आप लोग कहीं किसी अच्छे माहौल में गए तो बहुत सी महिलाएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हाँ चित्त बड़ा खुश है, प्रसन्न है, कुछ ऐसा नहीं है। और कभी दुखद स्थिति में जाकर आज चित्त उदास है, दुखी है, तो मन भी सुख रूप का प्रभाव पड़ता है। कब तक? जब तक ये मन अपने मूल उद्गम स्थान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त नहीं कर देता। जिस समय जिस घड़ी जिस क्षण जिस पल ये मन अपने उद्गम स्थान भगवान श्री कृष्ण में डूब जाता है, उसी समय इसको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और वहां से तीसरा शब्द जो है वो आनंद, वही आनंद श्री कृष्ण है। भागवत में चौथे दिन श्री कृष्ण आनंद होगा, उस दिन आप लोग सजाना के बारे में पता लगा सकते। और गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, तो आनंद कहा गया है। नंद घर कृष्ण भयो ये नहीं कहा, नंद घर गोपाल हो ये भी नहीं कहा, नंद घर भगवान हो ये भी नहीं कहा, क्या कहा? आनंद। तो भगवान के आने से आनंद हो जाता है। जैसे निगम जी के परिवार में कन्हैया की भागवत आई, भागवत गोपाल हो गोपाल ही भागवत, तो ये सब आनंद की हमने थोड़ी सी व्याख्या की। भागवत कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ हो रही है और ये सौभाग्य है लखीमपुर वालों का कि नीम शार नैमिषारण्य आपके बहुत दूर पास में। वहां पर हजारों वर्ष संतों ने भगवान से कहा कि प्रभु हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन वो कथा सात दिन की नहीं थी, यहां पर कितने दिन थे? वो कथा थी एक सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र कहते हैं हजार, एक हजार वर्षों तक कथा थी। दो हम लोग बोले राधे राधे, सुनने के बोले राधे राधे, तो हमें भी स्थान बताइए। तो भगवान का चक्र महाराज आए और उस जंगल में, जंगल को संस्कृत में अरण्य कहा गया है, अरण्य में आकर के रुक गए। चक्र को संस्कृत में नैमि कहा गया है, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और वहां 1000 वर्षों तक सूत जी महाराज को तिलक किया गया, आसन पर बिठाया गया और उनसे कथा सुनी गई। कितने वर्षों तक? 1000। इतने भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, जहां भी वक्ता बोल रहे हैं तो अधिकतर सूत जी बोल रहे हैं, सूत को वाचा शोभक जी पूछ रहे हैं, श्रोता बनते हैं और वक्ता बनते सूर्य जी जवाब दे रहे हैं। तो शोभक जी क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा, सूता की कथा सार गुण करण प्रसारण। आप हमें भागवत की कथा सुनाइए और हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति का उपदेश दीजिए। बड़े प्रश्न हुए सूत जी, बोले काल व्याल तो क्लास क्लास निर्णाश हेतु तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोपी ने भाषिका। पूर्व में सुखदेव जी महाराज जो व्यास जी के पुत्र हैं,
उनसे मैंने जो भागवत कथा सुनी वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जब महाराज परीक्षित जी को जो पांडव वंशी है, पांडवों के पोते लगते हैं, इनको तक्षक नाग के बसने का शाप लगा। बोले कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपको तक्षक नाग बसेगा, तो जिसको ये पता लग जाए कि 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, आप लोगों ने भी देखा होगा डॉक्टरों के यहाँ सीरियस केस जब जाते हैं तो डॉक्टर प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे जिसकी मृत्यु है वो वैसे ही आती है। तो समझदार जो जीव होता है जब जान लेता है कि भाई अब चलने की घड़ी है तो कुछ सत्कर्म किया जाए, अच्छे कर्म कर लिए तो कहीं वो दान देता है, कहीं वृक्ष लगाता है, यहां तक कि अपने सर्वस्व दान भी कर जाता है। ऐसे परीक्षित जी ने सब राजपाट छोड़ करके गंगा मैया के किनारे बैठ गए और गोविंद का गुणगान कर